हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्राचीन इंग्लिश ग्रामर का एक और नया चैप्टर करने वाले हैं, द प्रोनाउन, जो हमारा है चैप्टर नंबर 6। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ना केवल इंटरेस्टिंग चैप्टर है बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। प्रोनाउंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं। देखो, अगर जब आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, अगर आप जब से पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा सीन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रोनाउंस क्या होते हैं और प्रोनाउंस क्यों यूज किए जा रहे हैं। मिस्टर कुमार इज अ टीचर, मिस्टर कुमार इज टू रिटायर इन जून, मिस्टर कुमार कलीग्स आर प्लानिंग टू गिव मिस्टर कुमार फेयरवेल। आपने जब देखा तो एक बार बार ये मिस्टर कुमार जो कि टीचर हैं, मिस्टर कुमार रिटायर हो रहे हैं जून में, मिस्टर कुमार के कलीग्स प्लान कर रहे हैं उनको फेयरवेल देने के लिए, ठीक है। तो ये बार बार मिस्टर कुमार को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है मिस्टर कुमार इज अ टीचर, ही इज रिटायर इन जून, His colleagues are planning to give him a farewell. अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस देखो, ये रीड एक थोड़ा सा पढ़ने में दोनों में कितना अंतर है। यहाँ मिस्टर कुमार यूज किया गया, एंड देन मिस्टर कुमार एक टीचर है, वो उनको जून में रिटायर हो रहे हैं, उनके कलीग्स प्लान कर रहे हैं उनको फेयरवेल देने के लिए। तो यहाँ ये जो वर्ड यूज हुए हैं, he, his और him, ये प्रोनाउंस हैं। मतलब बार बार जब नाउंस का रिपीटेशन होता है तब हम यूज करते हैं प्रोनाउन को, जिससे एक अच्छा लुक दे पाए अपने सेंटेंसेस के लिए। तो ये प्रोनाउंस होते हैं। मेली जो प्रोनाउंस है हमारे 8 काइंड्स होते हैं इसके। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, इट इज, ही। इनको पर्सन में डिवाइड करते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एंड वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और बाकी के जो भी रह जाते हैं, ही, शी, इट, दे, जो भी हमारे रिमेनिंग्स होते हैं, रेस्ट ऑफ आर द थर्ड पर्सन। ऐसे हमारा पजेसिव होता है। पजेसिव में क्या है, माइंस, इज, हर्स, इट्स, आवर, देयर्स, इनको जो हम यूज करते हैं तो ये हमारे पजेसिव कहलाते हैं। ऐसे हमारा नेक्स्ट काइंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में ये चार वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए वर्ड यूज होते हैं, हु, हुम, व्हाट, व्हिच, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो जो वर्ड है वो इंटरोगेटिव, बट उस केस में वो इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव है। जब हम एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं। शॉर्ट में भी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव का, लाइक सेल्फ से, सेल्फ ऐड होकर जो हमारे वर्ड्स बनते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं, लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव होते हैं। यही हमारा इम्पैटिक भी होता है। यहाँ पे काइंड नहीं दिया गया है, रिफ्लेक्सिव इम्पैटिक वो भी हमारे सेल्फ होते हैं। ये हमारा वर्ड माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है और यही वर्ड हमारा एम्पैटिक भी है। तो ये जो यहाँ पे नहीं दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे 9 काइंड्स रहेंगे जब हम एम्पैटिक को जोड़ देंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट में केवल 8 काइंड दिए गए हुए हैं। फिर होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसमें ये वर्ड्स आते हैं हमारे ईच, एवरी, समबडी, सम, आइदर, नन, नोबडी, ऐसी रेसिपोकल रहता है। रेसिपोकल आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब आप फ्रैक्शन करते हैं, जब इंटरचेंज कर देते हैं, वो रेसिपोकल होता है। बट रेसिपोकल प्रोनाउंस भी होता है जो हमारा रहता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, अदर, एनदर, आइदर, नाइदर, ये सारी चीजें रेसिपोकल में चली जाती है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जहां जैसे हम कंजेक्शन का यूज करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, राम एंड श्याम, बट एक सेंटेंस में जब हम बीच में इनका यूज करते हैं, वैसे ये इंटरोगेशन वर्ड है, विच, हु, होम, हुज, ऑफ विच, जैसे आपने हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आपने देखा, जैसे ये हमारा हु दे रखा है, होम है, विच है, व्हाट है, ये हमारे इंटरोगेटिव है। ऐसे में रिलेटिव क्या होता है, जब हम एक सेंटेंस एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ में रिलेशन शो करना चाहते हैं, देन हम इनको यूज करते हैं। जैसे आई नो दैट पर्सन Who live in आगरा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो आगरा में रहता है। तो वो who जो वर्ड से सेंटेंस को हमने ऐड किया, ये क्या है, ये रिलेशन बता रहा है एक पर्टिकुलर क्लॉज का दूसरे क्लॉज से। एक वर्ड वो रहता है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो आगरा में रहता है। दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, दो अलग अलग क्लॉजेस हो गए, इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ये रहता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे 9 पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे हमें 8 दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया एम्पैटिक जब हम ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। इसी टाइप से हमारी 9 एक्सरसाइजेस दी हुई जिनको मैं सारे जो एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर काइंड पे दी हुई है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड हम करेंगे, पहले से समझेंगे, देन हम उस पर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है पहले एक्सरसाइज को करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़, क्या जो पर्टिकुलर हमारे पर्सनल प्रोनाउन है तो किस टाइप से होते हैं और किस टाइप की एक्सरसाइजेस हमें दी गई हैं और उनको हमें कैसे यूज़ करना है, राइट। तो हमेशा की तरह मैंने इसकी एक पीपीटी तैयार की हुई है, तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते चलते सीधे पीपीटी की ओर, ओके। Okay, now we are on the PPT, but before start, I request again to like, share and subscribe the channel Padhai Likhai with Viren sir, okay? ये यहाँ हम start करते हैं हमारे chapters को। यहाँ सबसे पहले जो हमारा part दिया हुआ है, जो exercises हैं,
फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन, सम ऑफ द ब्लैंक्स नीड डिटरमाइन आल्सो। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है, किसका यूज करना है, और उस अगर जहां पे पर्सनल प्रोनाउंस नहीं आ रही हैं वहां हमें डिटरमाइनस का यूज करना है, किसका यूज करना है, डिटरमाइनस का भी। अगर हमें लगता है पर्सनल प्रोनाउंस ही सफिशियंट नहीं है हमारे फिलप्स को फिल करने के लिए, हम वहां पर डिटरमाइनस का यूज करें। अब डिटरमाइनस क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। डिटरमाइनस भी हमारे कई टाइप के होते हैं, इसमें आर्टिकल्स होता है, पजेसिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो मैं आपको बताता हूँ जब डिटरमाइनस का आता है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें केवल आर्टिकल्स का यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज को फिलअप कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज इतना मान लेते हैं, एक्सरसाइज आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द डिटरमाइनस आल्सो। तो जैसे हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है, पहले पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैंने आपको भी बताया था कि तीन पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एन वी आ रहा होता है, सेकंड पर्सन में जो हमारा यू आ रहा होता है, थर्ड पर्सन में बाकी जो रिमेनिंग वर्ड रह जाते हैं वो सारे हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज को फिलअप करते हैं, आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ कि कैसे कौन कौन सी पर्सनल प्रोनाउंस और क्यों आई थी। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मोहन, सोहन एंड रमेश विजिटेड ब्लैंक ऑफिस, देन फुल स्टॉप के बाद में हैड टी विद, एंड देन फिर से फुल स्टॉप लगाया हुआ है, लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मोहन, सोहन एंड रमेश विजिटेड माई ऑफिस, मोहन, सोहन, रमेश ने विजिट किया मेरे ऑफिस को, एंड दे हैड टी विथ मी, उन्होंने मेरे साथ चाय पी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, मोहन, सोहन, रमेश विजिटेड माई ऑफिस, यहाँ पे उन्होंने मेरे ऑफिस को विजिट किया, किसके लिए, तो ये पजेसिव हमारी यहाँ पे यूज किया हुआ है हमने, और ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स अपीयर पर्सनल प्रोनाउंस, ये नहीं कि पर्सनल प्रोनाउंस का ही यूज करना है हमें, पर्सनल। अब यहाँ पे पर्सनल, अब आई का अगर हम पजेसिव देखेंगे तो माई हो जाता है। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पे माई क्यों यूज हुआ है, मी क्यों यूज हुआ है, एंड देन हम यहाँ पे केवल जो है हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं। तो केवल पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करके ही आप इन फ्लब्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, इनके साथ साथ हमें जो है अपनी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ साथ हमें अपनी प्रोनाउंस को भी ऐड करना होगा, ठीक है। जो हमारी बाकी जो रिमेनिंग वैसे हम मोस्टली जो फोकस करेंगे वो हमारी पर्सनल प्रोनाउंस होंगी, जैसे हमारी ये पर्सनल प्रोनाउंस हो गई दे। अब ऐसा नहीं कि पर्सनल प्रोनाउंस अगर एक्सरसाइज में दिया हुआ है केवल पर्सनल प्रोनाउंस तो पर्सनल प्रोनाउंस का ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बात करो या सेंटेंस है मोहन, सोहन एंड रमेश विजिटेड, उन्होंने विजिट किया मेरे ऑफिस को या आई ऑफिस, तो नहीं लग सकते ना कि मेरे लिए ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे इस केस में हमने माई का यूज किया हुआ है। मोहन, सोहन एंड रमेश विजिटेड माई ऑफिस, दे हैड द टी विद मी, उन्होंने मेरे साथ चाय पी। आफ्टर दैट दे लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट, वो जो है वहां से निकल गए लगभग 20 मिनट के बाद में। तो दे आर द, दे कौन सा है, ये थर्ड पर्सन में हमारी पर्सनल प्रोनाउंस का हमने यूज करके इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, राइट। फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है रमेश एंड यू आर नेवर्स, रमेश और तुम जो है नेवर्स हो। यहाँ पे रमेश एंड आई भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है। यू हमने सेकंड पर्सन लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे आई के लगाऊंगा तभी वो राइट होगा, वो फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा। राम एंड यू वर्ड आएगा, यू लगाया हुआ है, हमें ही लगाएंगे तब भी राइट हो जाएगा, शी लगाएंगे तब भी राइट हो जाएगा। हमें कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करके इस फिलअप को यूज करना है, तो जो भी आप लगाना चाहते हो लगाओ, मैंने यहाँ पे यू वर्ड यूज किया है, राम एंड यू आर नेवर्स। थर्ड दिया है आई होप यू एंड फादर आर माइन, मुझे ऐसा आशा है आप और जो फादर हैं वो मेरे हैं। तो यहाँ जो ब्लैंक है वो एक्चुअल में नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है कोई नीड नहीं है तो आप डिटरमाइनस का यूज कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया हुआ है। तो आर्टिकल में यहाँ पे यूज कर लिया आई होप यू एंड द फादर, आप और जो फादर हैं वो मेरे हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा था आई शेल अटेंड योर मैरिज, मैं आपकी मैरिज को अटेंड करूंगा, बट मदर कांट, बट यहाँ पे वर्ड है बट माई मदर कांट, लेकिन मेरी मदर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वो बीमार हैं। तो यहाँ पे ये जो शी है दैट इज द थर्ड पर्सन एंड द पर्सनल प्रोनाउंस आल्सो। लेकिन अगर मैं माई की बात करूंगा तो माई में फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, माई पर्सनल प्रोनाउंस में नहीं आता, इट इज अ पजेसिव एडजेक्टिव है ये हमारा, ठीक है। वैसे ये हमारा प्रोनाउन भी नहीं है, या तो हमें फिलअप्स करना है ये भी, या तो हमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है। यहाँ पे प्रोनाउंस को हमने पर्सनली कराया हुआ, बट यहाँ जो माई वर्ड है यहाँ पे भी माई यूज हुआ है, यहाँ भी माई यूज हुआ है, ये दोनों जो वर्ड है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव्स क्यों है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, अगले एक्सरसाइज कर लेते हैं। He has lost book, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं He has lost
हिज बुक, उसने अपनी बुक्स को खो दिया। दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया। आई हैव विजिटेड अ फ्रेंड ऑफ योर्स टू द पार्टी, ही टुक अ नेवर्स ऑफ हिम, ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब फिर वही कंफ्यूजन आ रही है, ही हैज लॉस्ट हिज एक्सरसाइज, हिज हमारा जो है फिर से पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे देयर्स वर्ड आता अगर ये प्रोनाउन होता, आई हैव यू हैव डन देयर वर्क, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव भी हमारे डेटर माइनस का पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, डेटर माइनस का पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमने डेटर माइनस का यूज किया है इंस्टेड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ हमने क्या यूज किया हुआ है, अपने डेटर माइनस का, और डेटर माइनस में हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव को, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, देन यहाँ पे भी हमने पजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया। अब ये आई हैव इनवाइटेड अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ये जो योर्स वर्ड आया है दैट इज द पर्सन, यहाँ पे ये पजेसिव में आ जाता है, फ्रेंड ऑफ योर्स टू द पार्टी, ही टुक द नेवर्स ऑफ हिम टू द हॉस्पिटल। तो इस टाइप से हम अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी, और यहाँ अपनी बुक्स में इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब बिना टाइम को वेस्ट करें चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनटू द एम्पैथेटिक प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारी वहां पर एम्पैथेटिक नहीं दिया हुआ है, एम्पैथेटिक और रिफ्लेक्सिव के बीच का मतलब समझ लो क्या होता है, यहाँ पे सारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दी हुई है और हमें चेंज करना है इनको हमारी एम्पैथेटिक प्रोनाउन में। एम्पैथेटिक क्या है, दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्फाइज समथिंग, जब हम कोई चीज इम्फाइज कर रहे हैं, किसी को हाईलाइट कर रहे हैं या किसी को जोर देके जब बोलते हैं, तो वो हमारी एम्पैथेटिक प्रोनाउंस होती है, क्या हो जाती है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। बट जब हम केवल रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैंने ये मैं खुद करूंगा, ठीक है, इसे मैं खुद ही करूंगा, दोनों सेंटेंस में समझ नहीं, मैं इसे खुद करूंगा और मैं खुद ही इसे करूंगा, मतलब जब हम क्या खुद ही करूंगा, तब मैं जब बोल रहा हूँ तब क्या हो रहा है कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एम्फाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा किसमें, एम्पैथेटिक में, तो ये हो जाएगा आई माई सेल्फ शैल डू इट, मैं खुद इस काम को, मैं खुद ही करूंगा इस काम को। तो जब हम सब्जेक्ट को एम्फाइज करने के लिए ये जो माई सेल्फ वाले वर्ड है उसके साथ में यूज करते हैं, तभी हमारे एम्पैथेटिक प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो सी कैन गो देयर हर सेल्फ, अब इसका इजिली आप भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा, सी और सी के साथ में जब हम अपनी एम्पैथेटिक प्रोनाउंस यूज करेंगे तो सी का परिशब्द क्या होता है, हर, तो यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ, तो सेंटेंस विल बी द सी हर सेल्फ कैन गो देयर, समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट के साथ में जब आप ये प्रोनाउंस यूज कर रहे हो जो रिफ्लेक्सिव एम्पैथेटिक दोनों होती हैं, जब आप सब्जेक्ट के बाद में यूज करोगे तो वो एम्पैथेटिक हो जाएंगी, एंड लास्ट आप यूज कर रहे हो तो वो हमारी रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन को शो कर रही होती है, इसलिए उनका नाम उसका रिफ्लेक्सिव रखा गया होता है। एंड थर्ड पार्ट आप देखते हैं, ये लिखा हुआ दे विल रीच हियर देमसेल्फ, तो यहाँ है दे देमसेल्फ विल रीच हियर, दे देमसेल्फ विल रीच हियर, ऐसे हमारा नेक्स्ट ये हुआ ही डिड इट हिमसेल्फ, तो यहाँ हो जाएगा ही हिमसेल्फ डिड इट। ओके, अब लास्ट आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा, यू सॉल्व द सम योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, यू योर सेल्फ सॉल्व द सम, राइट, गुड। अब इसके साथ साथ हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 9 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट पीरियड में अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हमने अभी पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो वर्ड इंटरोगेशन के लिए यूज होते हैं, ये जो वर्ड आया इंटरोगेटिव वो क्या है, इंटरोगेशन, इंटरोगेशन आपने पढ़ा होगा कि पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, मतलब पूछताछ कर रही है। तो जब हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। यहाँ पे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ एक बुक है टेबल पे, अब आप पूछ कर सकते हो व्हाट इज इट, ये क्या है, या बोल सकते हो हुज इट इज, जैसे हम बोलते हैं ना हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, बट हुज के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो वो एब्जेक्टिव हो जाता है, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज पर्स इज दिस, हुज लैपटॉप इज दिस, हुज फोन दिस इज दिस, तो वहां पे क्या है वो एग्जेक्टिव केसेस में आ जाता है। अब एग्जेक्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा एग्जेक्टिव ही है। तो यहाँ पे हम वर्ड का यूज करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक बुक है किताब में, आप पूछ रहे हो व्हाट इज इट, ये क्या है। नेक्स्ट है डू यू वांट टू डू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, इज योर्स, व्हाट इज योर्स, आपका क्या है, ठीक है, या कोई और वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे आया है इज एट द गेट, गेट पर कौन है, तो या हु इज एट द गेट, गेट पर कौन है, डू यू वॉन्ट टू सी, आप व्हाट डू यू वॉन्ट टू सी, आप क्या देखना चाहते हो। तो इस टाइप से अपनी
थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, जहां हमें इंटरोगेटिव को प्रोनाउंस का यूज करना है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होती है, फिर से रिमाइंड कर देता हूं, जो वर्ड इंटरोगेट करने के लिए, जो वर्ड क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव हमारी प्रोनाउंस भी होती है और इंटरोगेटिव हमारी एग्जेक्टिव भी होती है। बट आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एग्जेक्टिव का भी, जैसे मान के चलो यहाँ नोट करते हैं, जैसे आपसे बोला जाता है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट के बाद अगर हम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ पे व्हाट के बाद इसका यूज किया गया, व्हाट के बाद डू का यूज किया गया, देन यहाँ पे व्हाट के बाद इसका यूज किया गया, यहाँ हु के बाद यूज किया गया, ये सारी सारी प्रोनाउंस हैं। बट इसके बाद अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे यहाँ पे हूज बुक इज दिस, अगर मैं यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड के बाद में डायरेक्टली सब्जेक्ट को लगा दूंगा तो वो जो वर्ड हो जाएंगे, जो व्हाट है, हु है, विच है, हूज है, है, ये सारे के सारे वर्ड फंक्शन करेंगे हमारे एक इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव की तरह। ये अंतर होता है, कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखना, जब इन वर्ड्स के बाद में अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट आ जाता है देन वो हमारा एग्जेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, और इनके साथ अगर वर्ब का यूज हो रहा होता है तो ये हमारी प्रोनाउंस हो जाती है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है, अब जैसे हम रिलेशन का, अब यहाँ पे वही मैंने आपको बताया दो क्लॉजेस होते हैं, इनके बीच में रिलेशन शो करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो हमारे इंटरोगेटिव वर्ड हैं उनको जो हम यूज करते हैं वो हमारे रिलेशन होते हैं। अब यहाँ पे दिस इज द बॉय, एक लड़का है, वन द फर्स्ट प्राइज जीता। अब यहाँ पे एक हमारा जैसे हमने उसमें सीखा था, जब हम क्लॉजेस पढ़ रहे थे हमने देखा था एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस के टाइम हमने देखा था जब हम सेंटेंस पढ़ कर रहे थे, तो वहां पर जब हमने यूज करा था हमारे कंजेशन का, ठीक है, हमने देखा था हमारे कोऑर्डिनेट कंजेक्शन होते हैं तब कौन सा सेंटेंस हो जाता है, जब हम कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजेक्शन लगाते हैं तब कौन सा हो जाता है, ऐसे ही हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लेते हैं, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है हु वन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था, तो यहाँ पे हु जो है इन दोनों के बीच रिलेशन शो कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट ही वॉन्ट टू वाई, ही वॉन्ट्स टू वाई विच इज इन योर लोकलिटी, जो आपकी लोकलिटी में वो खरीदना चाहता है, इज इन योर लोकलिटी, जो आपकी लोकलिटी में, अनईजी लाइज होता है द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, हियर इज द गर्ल हूज पर्स वाज लॉस्ट, ये वो लड़की है जिसका पर्स चोरी हो गया था, तो यहाँ पे हूज वर्ड यूज किया, वेयर इज द बॉय टू होम यू लेंट योर बुक, वेयर इज द बॉय होम यू लेंट योर बुक, ये वो लड़का कहाँ है जिसको आपने अपनी बुक्स को लेंट किया नहीं उधार दिया होता। तो यहाँ पे आप अपनी ये जो एक्सरसाइजेस हैं यहाँ स्टेप से आप जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनका यूज करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इसके इसी का सिक्स पार्ट दे रखा है द प्रिजनर हैड एक्सेप्ट बट डेंजरस, जो प्रिजनर्स भाग गए थे एक्सेप्ट हो गए थे वो डेंजरस थे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोलोगे, मतलब जो कैदी भाग गए थे वो डेंजरस हैं, तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता द प्रिजनर है ना हु हैड एस्केप वाज डेंजरस तब यहाँ पे हम केवल हु का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये प्लूरल दे रखा हुआ है, प्रिजनर ज्यादा है, कैदी ज्यादा है, तो उसके साथ इसके लिए हमने इसको दैट का यूज किया हुआ है। बट अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे क्या वर्ड आता, हु का यूज करके से हम कंप्लीट कर लेते। सेवन दे रखा हुआ है हमारा देयर इज द ट्री, यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, उस लीव्स हैव फॉलन, देयर आर द ट्रीज, यहाँ पे आएगा विच लीव, जिसकी जिनकी जो लीव्स हैं वो गिर गई हैं, देयर आर द ट्रीज, जिनकी जो लीव्स हैं वो गिर चुकी हैं, जैसे दिस इज द फ्लैट इन विच ही लिव्स, ये वो फ्लैट है जिसमें वो रहता है, तो हियर इज द बॉय, ये वो लड़का है होम यू वर लुकिंग फॉर, जिसको आप देख रहे थे, जिसको आप सर्च कर रहे थे, दिस इज द चेयर whose leg was broken, जिसकी जो एक ट्रांक है वो टूट गई है, तो यहाँ पे ये हमारी हो जाती है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज दे रखी हुई है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको जज करना है कि कौन सी हमारी प्रोनाउन है उसको सिर्फ अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस हमारा दे रखा हुआ है राम इज इंटेलिजेंट He stood first in the class, his teachers congratulated him. तो यहाँ जब आप देखोगे तो he is a ही क्या है हमारी पर्सनल प्रोनाउन है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, देन इसमें हिज हमारी पजेसिव है तुमने आ कर दिया, हिज टीच, नेक्स्ट में आगे हमारा आ गया ऑल द डोर्स वर क्लोज बट वन वाज ओपन, तो ऑल जो हमारी वर्ब आ जाती है, एंड सेकंड इसमें वन जो है हमारा प्रोनाउन दे रखा हुआ तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। थर्ड में आई हैव टू डायरीज चूज आइदर, आइदर भी हमारा जैसे हमने वहां पर देखा हुआ था जो हमारी प्रोनाउंस है। फिर फोर्थ में आई हमारी जो है पर्सनल प्रोनाउन आ जाती है, हिम जो हमारा मैं हमारी पजेसिव में चली जाती है,
I have given him his book. यहाँ पे his जो है वो हमारी okay, ये दोनों ही हमारे आ जाता है. This book is mine. तो यहाँ mine जो word है वो हमारी क्या है, pronoun है. और कौन सी है, possessive pronoun है. It is his, ये हम, ये भी हमारी possessive pronoun है. तो यहाँ पे इसका use करके हम इनको underline कर सकते हैं. नेक्स्ट सिक्स वाला पार्ट रखा है, आई हैव नेवर मीट हिम. तो आई हमारा पर्सनल, आई हमारी प्रोनाउंस हो जाती है, इसमें हिम हमारी प्रोनाउंस हो जाती है. लेट अस ट्राई आवर बेस्ट, तो अस एंड आवर हमारी प्रोनाउंस है. इसमें दे लॉस्ट देयर वे इन द जंगल, तो यहाँ पे दो हमारी प्रोनाउंस आती है, इनको हमने अंडरलाइन कर रखा हुआ है. नेक्स्ट है शी स्लैप्ड हिम ऑन द फेस, या ऑन एन वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज द ऑन द फेस. तो शी स्लैप्ड हिम ऑन द फेस, तो शी और हिम दो हमारे यहाँ पे प्रोनाउंस आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है दिस हाउस इज दिस. अब आप कहोगे सर ये दिस यहाँ प्रोनाउंस क्यों नहीं आया, क्योंकि दिस भी तो हमारे प्रोनाउंस है, वहां पे हमने देखा था दिस दैट दीज सो. बट जैसे हमने आपको बताया था, अगर प्रोनाउंस के बाद में अगर वर्ब्स आती हैं तो प्रोनाउंस का रोल प्ले करते हैं, बल्कि ये जो दिस है हमारा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है. ठीक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी प्रोनाउंस है उसके वो हमारे अकेले स्टैंड करेगी, उसके साथ वर्ब आएगी ही आएगी. और एग्जेक्टिव क्या है, जो दो एक किसी ना किसी पर्टिकुलर नाउन्स को हाईलाइटेड कर रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. एग्जेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं. तो ये जो दिस वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिस क्या है, ये हाउस को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करें. दिस हाउस इज देयर्स, ये जो हाउस है वो उनका है. तो यहाँ पे ये दिस हाउस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए एग्जेक्टिव है. तो यहाँ पे देयर्स जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारी प्रोनाउंस है. ठीक है, नेक्स्ट सिक्स एक्सरसाइज देखिए, एनसर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करना है, वही हमारे दिस दैट दीज दोज, हमने वैसे हमने पहले भी आपको अभी समझाया, अगर इनके बाद वर्ब यूज हो रही है तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, अगर इनके बाद सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाएंगे. तो यहाँ पे दिस इज इज पेन, सबसे पहले दिस हमारा, दिस के बाद हमारा वर्ब यूज हुई है, तो दैट्स व्हाई इज अ ये प्रोनाउंस हो जाता है. बट दैट इज माइन, दोनों हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाती है. अब दिस हाउस, ये जो ये हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए एग्जेक्टिव हो गया, हमने छोड़ दिया. बट दैट इज देयर, लेकिन दैट जो है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गई. दिस इज माय सिस्टर, दोज आर हर डॉग्स, ये दोनों हमारी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. नेक्स्ट दे रखा हुआ है दीज बास्केट कंटेन एप्पल बट दोज आर एम्प्टी, लेकिन ये जो दोज वर्ड है यहाँ पे दीज हमारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि बास्केट को हाईलाइट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा हुआ है. बट दोज आर एम्प्टी, ये हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगी. नेक्स्ट में दिस इज व्हाट ही टोल्ड नाउ, इसमें दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. दोज हु लिव्स इन ग्लास, यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हु आ गया, फिर भी हमने लगाया हु, यहाँ पे एंटीसीडेंट का काम कर रहा है. दोज हु लिव इन ग्लास, वो जो लिव रहते हैं ग्लास में, ग्लासेस हाउस, ग्लास हाउस में, शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, आपने नहीं बोला शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते. तो यहाँ पे दोज हु, यहाँ पे ये जो हु वर्ड यूज हुआ है दैट इज द एंटीसीडेंट है ये दोज का, तो इसको भी हम दोज का पार्ट मानेंगे, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर कर रहे हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट हमारा एट पार्ट आता है दैट इज माई ओपिनियन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाता है. तो ये हमारी एक्सरसाइज सिक्स हो जाती है. सेवेंथ एक्सरसाइज में दिया चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे देम और देयर्स का यूज करके इसको फिल्स करना है, यहाँ पे मी एंड आई का यूज करना है. तो ये पहले फटाफट से कर लेते हैं हम. तो यहाँ दिया हुआ है आवर टीम स्कोर्ड मोर गोल देयर देन देयर्स, यहाँ पे देन वर्ड आना चाहिए था. Our team, हमारी टीम ने स्कोर किया more goals than theirs. वहाँ पे क्या है? theirs इसलिए यूज किया क्योंकि is a part of their, क्योंकि हमारी टीम ने किया और उनकी टीम ने, theirs का मतलब है their team. यहाँ पे केवल यहाँ पे अगर s लगा रहे हैं हम प्रोनाउंस को कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं their team. ठीक है, अगर यहाँ पे टीम वर्ड होता मोर देन देयर, यहाँ पे टीम अगर यहाँ पे दिया होता फुल स्टॉप जो यहाँ लगा हुआ है फुल स्टॉप नहीं होता टीम होता तो हम देयर वर्ड का यूज करते, बट यहाँ पे हम देयर्स करेंगे तो हमारा रिप्रेजेंट करेगा टीम्स को भी. ओके, सुरेश एंड आई वेंट टू द मूवी, अब यहाँ पे आई का यूज क्यों किया गया, मी का यूज क्यों नहीं किया गया. देखो आई क्या है, आई रहता है हमारा सब्जेक्टिव केस में और मी होता है ऑब्जेक्ट, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी, बट यहाँ पे दोनों के दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए इसलिए आई का यूज किया. सुरेश और मैं गए थे मूवी देखने के लिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता तब हम यहाँ पे मी का यूज करते. ठीक है,
ही इज टॉलर देन मी। अब ये जो है चीज है वो ऑब्जेक्टिव में, अभी हमारे पास में दोनों ऑप्शन थे मी एंड आई, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव, वो जो है मुझसे लंबा है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में गया, दैट्स वाई हम मी का यूज कर रहे हैं, आई का यूज नहीं कर, बट यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में क्या था, यहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना था, दैट्स वाई हमने आई का यूज किया हुआ था। She knew that it was him. मैं जानती थी वो है। अब ही हमारा subjective है, him उसका objective है, लेकिन यहाँ पे मैं object का use करना था, इसलिए हमने him का use किया। Between you and I don't trust him. He and him. Between you and he. आप दोनों में I don't trust him. मैं उस पर विश्वास नहीं करती। आप दोनों के बीच में, तो यहाँ भी subjective था, that's why हमने he का use किया हुआ है। Okay. ऐसी सिक्स दिया हुआ है ही एंड आर फ्रेंड्स, आई एंड मी, यहाँ पे जो हमारा अब सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आई का यूज किया। वी आर नॉट एज रिच एज दे और देम, वी आर नॉट रिच एज दे, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है दे के साथ में, सब्जेक्टिव में, तो हमने दे का यूज किया। हु ब्रोक द स्लेट, किसने स्लेट को तोड़ा, इज वॉट नॉट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखना है तो हमारा मी आ जाएगा। लेट के साथ में हमेशा हम अपनी प्रोनाउंस का यूज करते हैं, लेट्स us go now या let's go now। He is as young as she, यहाँ I and me का use करना था हमें, sorry ये she नहीं होगा। He is as young as I, वो उतनी young है जितना कि मैं हूँ, यहाँ by mistake हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एट वाली एक्सरसाइज, चूज द राइट प्रोनाउंस फॉर द गिवन ब्रैकेट। यहाँ पे हमें सारी जो है मिसलेनियस दे रखा हुआ है, अब यूज करना है इनके अकॉर्डिंग, अभी सारी हैं, मतलब इसमें हमारी पर्सनल भी हो सकती है, पजेशिव भी हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकती है, तो जो राइट प्रोनाउंस है उसका यूज करना है। तो यहाँ लिखा है ऑफ द थ्री बॉयज इंटेलिजेंट, नन और नाइदर, नाइदर हम यूज करते हैं जब नेगेटिव सेंस में दो लोगों के बीच में, बट यहाँ पे बात की जा रही है थ्री बॉयज के लिए, तो यहाँ पे वर्ड सिंपल सा यूज हो जाएगा हमारा नन, क्या वर्ड यूज होगा, दैट इज नन। ऑफ द टू वाइज विल विन द प्राइज, यहाँ पे आइदर और एनीवन, अब जैसे मैंने बताया कि आइदर एंड नाइदर यूज होते हैं हमारे दो लोगों के लिए, आइदर और नाइदर यूज करते हैं हम दो लोगों के लिए, बट यहाँ दिया हुआ है टू वाइज, तो यहाँ पे एनीवन का तो मतलब आया नहीं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड आएगा, दैट इज द आइदर ऑफ द टू वाइज विल विन द प्राइज। दिया हुआ है वी मस्ट लव नेवर्स आवर और देयर, वी मस्ट लव आवर्स नेवर। ही एंड आई हैव रीड आवर और माय, ही वह और मैं जो है पढ़ चुका हूं आवर बुक्स, हमारी किताबों को, तो यहाँ दो लोगों के, तो इसीलिए आवर का यूज किया, रूरल हो जाएगा। वी का सेंस दे रहा ना, अगर ही एंड आई, ही इज नॉट द बॉय, वो का नहीं है, ही वॉज वंस, वो अब वो लड़का नहीं है जो पहले था, तो ही इज नॉट द बॉय हु ही वॉज वंस। नेक्स्ट, सी इज वन ऑफ दोज लेडीज विल हेल्प यू, यहाँ पे हु एंड हुम का यूज हमें करके कंप्लीट करना है, तो सी इज वन ऑफ दोज लेडीज हु विल हेल्प यू। सेवन वन, दिस हाउस इज मी एंड माइन, तो दिस हाउस इज माइन। नेक्स्ट एट पार्ट दिया हुआ है, ऑफ द फोर इज गोइंग टू विन द मैच, ऑफ द फोर, यहाँ पे नाइदर एंड नन, नाइदर कब लगाते हैं, जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन टू पर्सन, तो दैट्स वाई नन ऑफ द फोर इज गोइंग टू विन द मैच, चारों में से कोई भी मैच को जीतने वाला नहीं है। Ninth, I know who can guide you. यहाँ पे anyone and someone या I know someone who can guide you. मैं जानता हूँ कोई आपको guide कर सकता है। Tenth, she never absent from school. Her and absent. Simple thing. She never absent herself from school. यहाँ पे क्या हुआ? Reflection को show किया गया। अगर यहाँ पे see herself never absent तो हम क्या होता है? ये emphatic हो जाता। But यहाँ पे herself का use करके हमने क्या किया? इसको जो है reflective pronouns में रख दिया। तो यहाँ पे ये हमारी exercise complete हो जाती है। Now, हमारी आती है लास्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, या रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके हमें कंप्लीट करना है। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हमने पहले भी किया था, आई हैव रीड द बुक्स दैट यू गिव मी, ये मैंने वो किताब पढ़ी जो आपने मुझे दी थी। द बॉय हुम शी मीट टूडे वॉज नेवर्स, हर नेवर, ये लड़का इससे वो मिली थी उसका नेवर है। दिस इज द वुमैन, यहाँ पे ये वो वुमैन है जिसका पति मर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हुज हस्बैंड इज डेड। She is most beautiful girl I have ever seen. She is most beautiful girl that I have ever seen. वो इतनी खूबसूरत लड़की इसको मैंने पहले कभी देखा हो, मतलब इतना मैंने ऐसे मैंने कभी किसी को देखा हो। Look at the girl is wearing the jeans. Look at the girl that is wearing the jeans. Sixth part दिया हुआ है, the man meet you at the lake is a pickpocket. जिस व्यक्ति से आप मिले थे लैंक पर, यानी लैंक जो हमारी झील होती है, वो एक पिकपॉकेट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्स चुराने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा द मैन दैट
मीट यू एट द लैग, जो मीट पर लेग पर आपको मिला था वो एक पिक पॉकेट है। आई मीट द फिशरमैन हूज बोट डैमेज, मैं उस फिशरमैन से मिला जिसकी बोट जो है डैमेज्ड हो गई थी। यहाँ पे आया नेक्स्ट, ओरिंग मी द बुक्स, मेरे लिए बुक्स लेके आओ आर ऑन द टेबल, तो यार दैट आर ऑन द टेबल, मुझे वो बुक्स लेके आओ जो रखी हुई है कहां पर, टेबल्स पर रखी हुई है। लिसन टू हिम व्हाट ही सेज, यहाँ पे अपनी बुक में दिया हुआ है लिसन टू एंड देन ब्लैंक दिया हुआ है ही सेज, तो यहाँ बुक में भी आपको यहाँ मैं देखा, जब मैं देख रहा था तो यहाँ हिम जो वर्ड है वो मिश होना चाहिए या फिर टू वर्ड नहीं आ जाए, लिसन व्हाट ही सेज होगा, या अगर आपने टू वर्ड यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ हिम का यूज किया जाएगा, लिसन टू हिम व्हाट ही सेज, और या फिर आप टू को कट करेंगे या हिम को ऐड करेंगे या जो भी ऑब्जेक्टिव ऐड करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव ऐड करेंगे। लिसन टू अस, यहाँ पे ही वर्ड आया है तो हिम ही यूज होगा, वरना आपको ये दोनों इंटरचेंज करने होंगे। लिसन टू हिम व्हाट ही सेज, एंड लास्ट पे आया वॉइस द टॉयज दैट द चाइल्ड वांट्स, उन खिलौनों को खरीदो जो बच्चा चाहता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इसमें आपको अगर कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। And now, finally, thanks for being here. And I request you at last that don't forget to like, share and subscribe. जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने friend के साथ को share कर सकते हैं, अपने friend के साथ share करिए, video को like करिए. And finally, आप इसको channel को जाते-जाते subscribe जरूर कर दीजिए. And मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार video में फिर से. तब तक के लिए goodbye.